ऑफिस। नमस्कार, मैं हूं गुंजन। दोस्तों, आप सभी ने अपने घरों में इलेक्ट्रिक आयरन तो देखी ही होगी और इस्तेमाल भी की होगी। आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिक आयरन हमारी डेली लाइफ में इतनी ज़रूरी क्यों है? दोस्तों, हमारी स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, ऑफिस लाइफ हो या फिर कोई फंक्शन, हमें इन सब जगह जाने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। बिना इलेक्ट्रिक आयरन के हमारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा सिकुड़े और पुराने लगते हैं, इसीलिए हमारी डेली लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से मार्केट में भी इसकी डिमांड काफ़ी अधिक है। इसलिए अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आप किस प्रकार से अपना खुद का इलेक्ट्रिक आयरन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो सभी जानकारी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर करें। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जैसे कि पहला है, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी होगी, क्योंकि इससे आपको एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी पता चलेगा। इस व्यवसाय में सफल होने के लिए आपको इनोवेशन लाने की भी जरूरत है। इसके लिए आप अपनी आयरन मशीन को बाकी आयरन मशीन के मुकाबले थोड़ा अलग डिजाइन कर सकते हैं, साथ ही उसमें कुछ नए फीचर्स भी एड कर सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको कुछ जरूरी रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होगी, जैसे कि सोल प्लेट, टेफ्लॉन कोटेड, थर्मामीटर, हीटिंग एलिमेंट्स, इंडिकेटर लैंप और प्लास्टिक बॉडी की जरूरत होगी। साथ ही आपको कुछ मशीनों की भी जरूरत होगी, जैसे कि ड्रिलिंग मशीन, हैंड प्रेस, ग्राइंडर, फिंगर टेस्ट वी टेस्टर, डिजिटल टेम्परेचर रिकॉर्डर विद इंडिकेटर, ट्रिमर जैसे अन्य मशीनों और टूल्स की जरूरत होगी। दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको BIS रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, जिसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ लाइक ओनर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का फ्लो चार्ट, फिर एडिक्वेट टेस्टिंग फैसिलिटीज प्रूफ, लेबोरेटरी टेस्टिंग रिपोर्ट विद डिटेल्स, क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स रिकॉर्ड्स, ऑथराइज्ड सिग्नेचर की डिटेल्स जैसी कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इसके बाद हम कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है डॉक्यूमेंटेशन। सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने से पहले आवश्यक दस्तावेज तैयार करें, साथ में आवेदन भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें। उसके बाद आवेदन की जाँच BIS अधिकारी द्वारा की जाएगी और कारखाने के परिसर और विनिर्माण सुविधाओं का निरीक्षण भी किया जाएगा। फिर BIS अधिकृत लैब द्वारा उत्पादन का परीक्षण किया जाएगा और अंत में आपका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट के लिए BIS सर्टिफिकेशन एक चुनौतीपूर्ण और तैयार प्रक्रिया है, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और वैलिडेशन के साथ जरूरी होता है, लेकिन आप घर बैठे आसानी से अपने बिजनेस के लिए BIS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बस आपको कॉन्टेक्ट करना होगा कॉर्बेस की टीम से और अपनी कुछ बेसिक सी डिटेल शेयर करनी होगी। तो ये थे आयरन बिजनेस से जुड़ी सारी जानकारी। आशा करती हूँ आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इससे जुड़ी और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप कॉर्बेस की टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आप अपने सजेशंस भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।